हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आया हुआ हूं इंडिया गेट पर, जो कि मोदी जी ने बहुत बेहतरीन यहां का माहौल चेंज कर दिया है, जो कि पहले हुआ करता था। पहले राजपथ नाम था, अब इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। जहाँ पर ये एक अंग्रेज की प्रतिमा लगी हुई थी, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लगाया गया है। दोस्तों तो दिखाते हैं आपको और आप लोग इन्जॉय करो और फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देखो मेरे पीछे दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। देखो किस तरीके से इन्होंने बनाया है। देखो यह है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और इधर है इंडिया गेट। ये देखो यह है इंडिया गेट और आपको दिखाते हैं हम बैक कैमरे से। और बैक कैमरे से आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं, ये है रात का सीन। तो अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो चलेगा 3 दिन तक, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और इतवार। तो लास्ट इसका इतवार है, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये शुक्रवार को ही आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और यहाँ पर मोदी जी आए थे, उन्होंने फूल वर्षा की थी। तो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, कुछ इस तरीके तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कितनी है। ये देखो, और यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और ये अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यहाँ पर देखो, जिधर आप नज़र उठा के देखोगे आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगा। दोस्तों आपको बता दूं, देखो यह है इंडिया गेट पूरा। दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से ये झरने बनाए गए हैं। ये देखो ये सारे में पूरे वहाँ तक पानी पानी आपको दिखाई देगा। देखो ये सारा पूरा दे रखा है। दोस्तों कुछ ऐसा चमक रहा है, ये देखो ऐसा चमक रहा है कुछ इंडिया गेट। यहाँ देखो पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी आपको। देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है पब्लिक, सबसे ज़्यादा तो इंडिया गेट से, दिल्ली की पब्लिक है ये। ये देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक इंडिया गेट पे है। प्राचीन भारत की जिस धरती पर ब्रिटानी हुकूमत विक्टोरिया राज्य स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रही थी, उसी साल 23 जनवरी को उसके विरुद्ध संघर्ष करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रोविंस के कटक में हो गया। शिक्षा और जीवन पथ पर अग्रसर सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक की बातें उतर में लगे। पेड़ियों में जकड़ी भारत माता की मुक्ति का सपना हाथों में जान उतरा। लेकिन पिता के युद्ध के आगे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा पास कर पिता का सपना पूरा कर दिया। उधर चल रहा है यार, उधर दिखाई दिखाई दे रहा। सुभाष को अपने कैम्ब्रिज की पढ़ाई से ICS 50 सत्र थे, जिस पानी के जहाज से वो इंग्लैंड गए थे और स्वतंत्रता संग्राम में डूब कर कलकत्ता में श्रम और देश के आगमन का घटकर विरोध हो रहा था।
के नीचे ये सारे ड्रोन ही ड्रोन हैं, ये देख सकते हैं। कुछ इस टाइप की लाइटें लगी हुई हैं, देख सकते हैं ये तस्वीर है। और ये ब्रिज टाइप के बनाए गए हैं, और ये आखिर वहाँ तक नदी है। ये नदी टाइप का देखो, इधर से काफ़ी लंबी चौड़ी है ये दोनों साइड में। और ये फब्बारे लगाए गए हैं, उधर इंडिया गेट है। तो ये है पब्लिक, ये देखो अंडर पास। तो रोड की वजह से ये अंडर पास बनाया गया है, उधर पार जाने के लिए। देखो ऊपर वाहन चल रहे हैं, और नीचे से ये अंडर पास बनाया। कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ पर इंडिया गेट पे गए। और ये चला जाता है कर्तव्य पथ, जो कि आगे यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए। आगे आगे पड़ेगा राष्ट्रपति भवन, और मेरे पीछे है इंडिया गेट। तो ये देखो ऐसी बनाई है, ये लगी हुई है तस्वीरें। और चलते हैं आगे, नीचे है जाने के लिए। तो यही है इंडिया गेट का नज़ारा। तो हम अभी घूम रहे हैं लॉन में, ये देखो। आज इधर से आपको दिखाएंगे इंडिया गेट कैसा चमक रहा है। इंडिया गेट यहाँ पर भी लाइट है, नई लगाई गई हैं। और ये अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ, मोदी सरकार के राज्य में गई। ये देखो कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं यहाँ। अब देखो आप लोग, कुछ ये सीन है यहाँ का। पब्लिक आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी, और आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखो पुलिस और पब्लिक इन दोनों साइड में। तो देखो नदी टाइप के बना रखे हैं वो जैसे। और इधर पड़ेगा हमारा राष्ट्रपति भवन, उधर राष्ट्रपति भवन है, और इधर इंडिया गेट, इंडिया गेट के बगल में है। देखो गाइस कुछ ऐसा बनाया गया है ये अंडरपास, देखो। क्योंकि इधर से भी पब्लिक जा सकती है, ये जा रहे हैं, और उधर से भी आने के लिए है अंडरपास, देखो। और ये निकलेंगे जाके पल्ली साइड में, यानी कि आपके राष्ट्रपति भवन की तरफ। ये देख सकते हैं जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसको भी देख लो, भारत के पिता की जय, जय सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। अमर रहे, तुम हमें खून दो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज आजादी का सच्चा दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जय